हाय गाइस, ब्लॉग विद चिट्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक्चुअली आज मैं सीपी जा रही हूँ, देखते हैं किस चीज़ के ऊपर हम वीडियो बना सकते हैं। तो इसलिए मैं घर से निकल चुकी हूँ ऑलमोस्ट, तो मैं यहाँ से बस से जाऊँगी क्योंकि मेरे घर के पास से बस जाती है, तो मैं बस से जाऊँगी और वहाँ पे जाके हमें क्या अच्छा मिलेगा जिस पे हम वीडियो बना सकते हैं वो देखते हैं। वैसे वहाँ पे एक हनुमान मंदिर है, तो उस हनुमान मंदिर के बारे में मैं आपको कुछ बताऊंगी थोड़ा बहुत, और वहाँ पे मैं अलाव होता है तो मैं आपको वीडियोस बना के दिखाऊंगी। काफ़ी अच्छा मंदिर है, अगर आप कभी भी नॉट प्लेस आते हैं तो आपको उस मंदिर में आना चाहिए। तो चलिए फिर चलते हैं और मैं शूट करके फिर आपको दिखाती हूँ वहाँ पर क्या क्या है और वो मंदिर कैसा है। बस में भी जितनी सीट्स हैं उतने ही लोग चढ़ना अलाउ है, अदरवाइज़ नहीं चढ़ सकते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मैं हनुमान मंदिर ऑलमोस्ट आ चुकी हूँ। रोड क्रॉस करना है और रोड क्रॉस करने के बाद मैं मंदिर में एंटर करूँगी और उसके बाद हो सके तो मैं आपके लिए वीडियो शूट करूँगी। आई होप कि मैं आपको दिखा सकूँ कि मंदिर कैसा है। तो प्राचीन हनुमान मंदिर के बाहर का पोर्शन है ये, देखिए यहाँ पे बंदर आपको खूब मिलेंगे। यहाँ पे खूब लोग दूर दूर से दर्शन करने के लिए आते हैं। भारत में आस्था श्रद्धा सबके दिलों में बसती है, लेकिन कुछ ऐसी श्रद्धाएँ भी होती हैं ना जो हमारे दिलों में अलग ही बसती हैं। उनमें से प्राचीन हनुमान मंदिर एक है। ये बाहर का पोर्शन है, यहाँ पे कुछ काम भी चल रहा है मेरे ख्याल से, तो मैं आपके लिए जितना शूट कर पाऊँगी मैं उतना शूट करूँगी। आप अपने लिए प्रेयर करिए अगर आप यहाँ दर्शन करने नहीं आ पाते हैं, और अंदर जाके पता लगेगा कि मैं आपको हनुमान जी के, जिनके दर्शन लोग दूर दूर से करने आते हैं, क्या मैं वो दर्शन आपको यहाँ करा पा रही हूँ या नहीं करा पा सकती हूँ, क्योंकि अंदर जाके पता लगेगा कि वीडियो बनाना अलाउ है या नहीं है। तो चलिए ये देखिए बाहर का पोर्शन है, यहाँ पे खूब सारे आपको बंदर मंकीज घूमते हुए मिलेंगे और उथल पुथल मचाते हुए दिखेंगे। तो ये हम यहाँ पे प्राचीन हनुमान मंदिर आए हैं, तो ये खाने की जगह बनी हुई है। अगर आपको भूख लगती है तो आप यहाँ खाने पीने के लिए भी आपका इंतज़ाम है कि आप खा सकते हैं लेके अपना। ये यहाँ पे फ्रूट्स माला आपको जो भी परचेस करना है आप भगवान के लिए आप परचेस कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी शॉपिंग के, मतलब शॉपिंग ही कह सकते हैं हम, तो आप अगर कुछ घर के लिए खरीद के लेके जाना चाहते हैं तो वो भी खरीद के लेके जा सकते हैं। तो ये मिठाई की दुकान है यहाँ पे, ये मालाएं हैं और ये देखिए आपको मैं दिखा रही हूँ, यहाँ पे काफ़ी आपको ऐसी ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी, मतलब मिठाइयाँ, अगर आप चाहें तो लेके भी आ सकते हैं। अगर आप लेके नहीं आ रहे हैं मिठाई घर से तो आप यहाँ से भी ख़रीद सकते हैं और यहाँ से फूल माला ले सकते हैं। ये मंदिर की सीढ़ियाँ हैं, मंदिर की सीढ़ियों पे हम जाएंगे ऊपर और देखते हैं कि वीडियो कैसे हम शूट कर सकते हैं आपके लिए। ये देखिए मंदिर के अंदर हम आ चुके हैं। जो महाभारत काल में पांडवों ने दिल्ली में 5 मंदिरों की स्थापना की थी, उन मंदिरों में से एक मंदिर है हमारे हनुमान मंदिर, ये प्राचीन हनुमान मंदिर जो कि नॉट प्लेस बाबा खड़ग सिंह मार्ग पर है। जब भी अगर आप आना चाहें आप आ सकते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए। मंदिर बहुत सुंदर है, बहुत शांति मिलती है। राम भगवान के जो भजन हैं आपको सुनने को मिल जाएंगे। मंगलवार शनिवार को तो यहाँ पैर रखने की भी जगह नहीं होती है। अब हम जाएंगे, कोशिश करेंगे अंदर जाने की और अंदर जहाँ पे हम आपको हनुमान जी दिखा सकें। तो देखिए मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ, पंडित जी का थोड़ा सा मुँह उधर था तो मैंने आपके लिए रिकॉर्ड कर लिया कैसे तैसे। तो ये देखिए कितने प्यारे हनुमान जी लग रहे हैं, ये देखिए मैंने आपको दर्शन भी करा दिए हैं और देखिए कितने अवतार हैं हनुमान जी के। आप कोई भी अपने लिए जो भी दुआ मांगना चाहते हैं, प्रार्थना करना चाहते हैं तो आप करिए। ये संतोषी माता हैं, आपको यहाँ मंदिर में संतोषी माता की भी दर्शन हो जाएंगी। ये समाधि हैं और यहाँ पे, हाँ आपको मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी, जैसे न्यू मैरिड जोड़े होते हैं वो भी यहाँ आ सकते हैं, अगर आप चाहें तो यहाँ आके सगाई भी कर सकते हैं। अब मैंने देखा यहाँ पे सगाई भी हुआ था। तो ये देखिए आगे भैया हैं, ये
जो बाहर। वो देख लीजिए, इन भैया को देख लीजिए, इन्हीं से माला खरीदी है यहाँ आके और इनसे मिठाई खरीद ली अंकल से। अगर आप आएंगे तो आपको काफी कुछ अच्छा देखने को मिल जाएगा। अगर आप अपने घर के लिए माला या कुछ लेके जाना चाहते हैं यहाँ से तो आप वो भी खरीद सकते हैं। ये देखिए कितना मार्केट बना हुआ है, मंदिर के पास ही है बिल्कुल, ये मार्केट ज़्यादा दूर नहीं है तो आप यहाँ से सामान खरीद सकते हैं। यहाँ दो मेरे को खतरनाक डॉग्स भी मिले हैं तो प्लीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि मैं शॉपिंग करने जा रही थी तो उन्होंने मेरे को वार्न कर दिया कि इधर आने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए मैं आपको डॉग भी दिखाती हूँ, मुझे हंसी भी आ रहा है कि मतलब वो इस तरह भोंका कि मुझे हंसी भी आ गया और थोड़ा डर भी गई मैं। बट ये देखिए दुकान, मैं इतने कुत्तों को खाना खिलाती हूँ और ये कुत्ते मेरे को भौंक रहे हैं, इनसे बच के रहना यहाँ पे आके। बहुत सुंदर सुंदर मालाएं दिख जाएंगी यहाँ पे। अगर आप दूर से आ रहे हैं, दर्शनार्थी बन के आ रहे हैं तो आप यहाँ से ज़रूर याद के लिए कुछ ना कुछ लेके जाएं। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा और आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना खूब प्यार दें और कमेंट करें, लाइक करें।